हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शोएब आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में और आप देख रहे हैं द कॉइन डिक्शनरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं तमिलनाडु के राजनेता के कामराज की मृत्यु के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया 5 रुपये का सिक्का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिक्के के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ और साथ ही जानेंगे इस सिक्के की खासियत और सबसे ज़रूरी सिक्के की कीमत। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये सिक्का के कामराज की मृत्यु के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर इसे जारी किया गया था। के कामराज का पूरा नाम कुमारस्वामी कामराज था। के कामराज भारत के राज्य तमिलनाडु के प्रसिद्ध राजनेता थे और बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्हें राजनीति का किंग मेकर भी कहा जाता है। इनका जन्म 15 जुलाई 1903 में हुआ और इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1975 में हुई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के बारे में। तो 2003 में बने इस सिक्के का मेटल है कॉपर निकल। इसका वजन 8.9 ग्राम है और डायमीटर यानी कि इसका जो बाहरी व्यास है वो है 23.6 mm और 2.9 mm मोटाई रखने वाला ये सिक्का भारत की हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट में डाला गया था। अब बात करते हैं इस सिक्के की मार्केट वैल्यू की। तो अगर आपके पास मुंबई और कोलकाता मिंट का ये सिक्का है तो आपको यह सिक्का 20 रुपये से 40 रुपये तक आसानी से दिला सकता है, और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का ये सिक्का रखा है तो ये आपको 70 से 80 रुपये आसानी से दिला सकता है। और इसी के साथ 5 रुपये और 100 रुपये के सिल्वर मेटल में कुछ सिक्के UNC और प्रूफ सेट में मुंबई मिंट के द्वारा इशू किए गए थे। अगर आपको भी चाहिए कुछ UNC और प्रूफ सेट के सिक्के तो आप भारत की टकसालों से ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आप इन सिक्कों को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अब मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, और अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।